ओके, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने यूज़र के पास लॉगिन करा, राइट? और लॉगिन अगर सक्सेसफुल है तो हमने ये दो स्टेप्स किए हैं। उन दो स्टेप्स में पहला स्टेप ये है कि हम जो यूज़र आईडी है, मतलब जिस पर्सन ने लॉगिन किया है, जिसका यूज़र आईडी और पासवर्ड उसने दिया है, ईमेल और पासवर्ड, उसका जो यूज़र आईडी होगा उसको हम एक सेशन वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और सेशन वेरिएबल का नाम दिया है लॉगिन आईडी। ओके, और उसके बाद हम एक नए पेज के ऊपर हमारी वेबसाइट को रीडायरेक्ट कर रहे हैं, जिस पेज का नाम है productmaster.asp.h। ओके, जो पेज हमने अभी तक बनाया नहीं है। ऑलराइट, सो हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे इस पेज को बनाने पे। ओके, सो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाके वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू पेज, एड न्यू आइटम करके वेब फॉर्म, और उसका जो मैंने नाम चूज किया है वही मैं दूंगा productmaster.asp.h, और उसको भी मास्टर पेज के अंदर ही देना है, और मास्टर पेज हम सेलेक्ट कर देंगे। सो ये मेरा productmaster.asp.h बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना है कि यूजर जब इस वेबसाइट पे आ रहा है, मतलब लॉगिन करने के बाद इस पेज पे जब आ रहा है, ओके, तो उसको प्रोडक्ट्स दिखनी चाहिए, ओके, और वो नई प्रोडक्ट भी ऐड कर सके। ओके, मतलब उसकी प्रोडक्ट उसको दिखानी है और वो नई प्रोडक्ट भी यहाँ पे ऐड कर सकता है, मतलब दोनों चीज़ें यूज़र के साइड से हमें करनी है। ठीक है, सो उससे पहले प्रोडक्ट के बारे में हम यहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग करें, उससे पहले हमें प्रोडक्ट का टेबल चाहिए। ओके, सो हम जल्दी से सर्वर एक्सप्लोरर में जाएंगे और हमारे डेटाबेस के ऊपर क्लिक करके उसके टेबल के लिस्ट आउट में जाएंगे। ठीक है, उसमें टेबल्स और राइट क्लिक करके ऐड न्यू टेबल। ओके, अब यहाँ पे हमें सिंपल प्रोडक्ट का टेबल इंसर्ट करना है, तो पहला जो मेरा होगा वो प्रोडक्ट का आईडी होगा, तो मैं उसको नाम पी आर ई दे रहा हूँ। उसके बाद जो होगा प्रोडक्ट का नेम होगा, सो वेयर केयर नेम। ओके, उसके बाद से लाइक कंपनी नेम, प्रोडक्ट की कुछ कंपनी होगी, राइट? सो कंपनी हम ले लेते हैं। फिर प्रोडक्ट की प्राइस हम सेट करेंगे, प्राइस को हम न्यूमेरिक रखेंगे। ठीक है, ओके, हम यहाँ पे न्यूमेरिक रख रहे हैं जस्ट बिकॉज वी डोंट नीड द इंटीजर, इंटीजर के अंदर स्पेस का लिमिटेशन आएगा। ओके, और प्राइस कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। ओके, सो हम प्राइस के लिए हम न्यूमेरिक लेंगे, राइट? ओके, और दूसरा हम लेंगे प्रोडक्ट का इमेज। ओके, प्रोडक्ट इमेज, ओके, उसको भी हम वेयर केयर ही रखेंगे। ओके, आपको शायद डाउट होता होगा कि इमेज है तो इमेज का डेटा टाइप वेयर केयर क्यों है। ओके, सो हम मैं आपको बाद में वो एक्सप्लेन करूँगा हमारे अगले वीडियो में कि प्रोडक्ट का इमेज कैसे अपलोड करते हैं और किस तरह से डेटाबेस में उसको स्टोर किया जाता है। बट राइट नाउ यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट कि हमें प्रोडक्ट इमेज, अगर या कोई भी हम इमेज लेते हैं, यूज़र की प्रोफाइल पिक लेते हैं या कुछ भी, अगर इमेज या फाइल अपलोड लेते हैं तो उसको डेटा टाइप हम वेयर केयर ही रखेंगे, बिकॉज हम उसके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट का नाम ही, मतलब इमेज का जो नाम है वही हम स्टोर करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, फिर प्रोडक्ट का आईडी को हम प्राइमरी की सेट कर देते हैं और प्रॉपर्टीज में जाके उसको आइडेंटिटी कॉलम उसका पीआईडी सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अगेन वापस जाना पड़ेगा, आइडेंटिटी कॉलम क्लिक एंड पीआईडी सिलेक्ट हो गया। ठीक है, सेव करेंगे तो टेबल का नाम पूछेगा, हम यहाँ पे देते हैं टेबल प्रोडक्ट। ओके, टीबीएल प्रोडक्ट एंड ओके। सो ये हो गया हमारा टेबल। ओके, हमारा यूज़र एक वन है, तो सिर्फ टेम्पररीली हम एक काम करते हैं कि एक रिकॉर्ड डाल देते हैं प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर यूज़र के लिए, राइट? ओके, सो नेम के अंदर हम दे देंगे लाइक मैकबुक कंपनी एप्पल, प्राइस समथिंग लाइक से 55,000 एंड प्रोडक्ट इमेज अभी हम नल रख रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट इमेज अभी हमारे पास नहीं है, सो वी आर टेकिंग इट नल। ओके, ये रिकॉर्ड दे दिया हमने, दैट्स इट। ओके, अब हमें यहाँ पे डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, सी वी आर कंसीडरिंग दैट वी आर ओनली द यूजर के जो इस वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट इंसर्ट करेगा, इसलिए हमने प्रोडक्ट टेबल के अंदर यूजर का आईडी नहीं लिया कि भाई कौन से यूजर ने अपलोड किया है, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग कि भाई एक ही यूज़र है। ठीक है, हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है।
राइट, मतलब जिसको ASP.NET आता है या जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको पहले से थोड़ा टेक्निकल नॉलेज है, वो शायद ये डाउट उठाएंगे कि भाई प्रोडक्ट टेबल में यूज़र का आईडी आना चाहिए, कोई कौन से यूज़र ने इंसर्ट किया है प्रोडक्ट वो दिखना चाहिए, राइट। ये सही है, ये लॉजिकली बहुत सही है, बट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर प्रोजेक्ट। ओके, हम फाइनली का प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, हम सिंपल 1.5 घंटे की एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको कुछ कंसिडर नहीं करने वाला, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ पे वापस डिजाइनिंग में चले जाते हैं। यहाँ पे मैं टेबल का डिजाइनिंग ही सिंपल करूँगा। ओके, यहाँ पे मैं पहले एक कॉलम और दो रो ले लेता हूँ, ताकि मेरा जो फॉर्म और मेरा ग्रिड व्यू वो अलग अलग हो जाए, ठीक है। या फिर आप साइड बाय साइड कर सकते हो, मतलब 1 रो और 2 कॉलम, मतलब साइड बाय साइड, एक साइड पे फॉर्म, एक साइड पे ग्रिड व्यू। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं या ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 रो और 2 कॉलम ले रहा हूँ, दैट मीन्स के मैं लेफ्ट साइड पे फॉर्म करूँगा और राइट साइड पे मेरा ग्रिड व्यू आएगा, मतलब मैं व्यू करूँगा प्रोडक्ट को, ठीक है, ताकि मेरा एक ही स्क्रीन पे दोनों दिख जाए। ओके, 100% की स्पेसिफिकेशन ही रखेंगे। ओके, विथ 100% अलाइनमेंट डिफॉल्ट एज इट इज। ओके, प्रेस ऑन ओके, तो मेरे 2 कॉलम्स बन गए, राइट। अब यहाँ पे इस कॉलम में मेरा आएगा फॉर्म और इस कॉलम में मेरा आएगा ग्रिड व्यू, सिंपल। ओके, चलिए, सो पहले हम फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। ओके, जैसा कि सर्वर एक्सप्लोरर है मेरे पास यहाँ पे, ये देखने के लिए मैं सिंपल इसको यहाँ पे टैग कर दूंगा, ताकि ये साइड पे हो जाए। ओके, अब यहाँ पे मुझे फॉर्म डिज़ाइन करना है, सो इसके लिए भी वापस मैं टेबल का ही यूज़ करूँगा, राइट। फॉर्म के अंदर मुझे 2 कॉलम चाहिए, रो भी मुझे बहुत सारी चाहिए, लाइक नेम चाहिए, कंपनी चाहिए, प्राइस चाहिए, प्रोडक्ट इमेज चाहिए। ओके, 4 कॉलम चाहिए, राइट, 4 रोज चाहिए, सॉरी। सो मैं यहाँ पे 4 रोज और एक पांचवी रो बटन के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। इसको भी 100% पिक्सल्स ही रखते हैं। ओके, एंड अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, सॉरी अलाइनमेंट डिफॉल्ट ही रखते हैं। ओके, क्लियर। सो यहाँ पे आ गया। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे देना है नेम। ओके, मैं पहले टाइटल सारा दे देता हूँ, देन कंपनी नेम, देन प्राइस एंड इमेज। ओके, अब यहाँ पे हम सिंपल टेक्स्ट बॉक्स लेंगे नेम के लिए, तो टूल बॉक्स में जाके सेलेक्टिंग टेक्स्ट बॉक्स, उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, राइट। उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसकी साइज थोड़ी छोटी कर देते हैं, ठीक है। फिर उस टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, और इमेज के लिए वी नीड अ फाइल अपलोड, ठीक है, इमेज के लिए वी नीड अ फाइल अपलोड। तो फाइल अपलोड का कंट्रोल यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे सिंपल बटन इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। सो जस्ट टेक द बटन और उसका जो प्रॉपर्टीज सेट करके उसका नाम रख देते हैं BTN इंसर्ट। ओके, और यहाँ पे उसको जो टेक्स्ट है वो मैं टेक्स्ट दे दूंगा एड प्रोडक्ट, एड प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस टेबल को थोड़ा सिलेक्ट करते हैं, पूरे टेबल को, और बड़ा कर देते हैं ताकि कॉलम्स अलग अलग हो जाए। ओके, ये परफेक्ट साइज है, ठीक है। ओके, ये हो गया, ये मेरा यहाँ पे डिजाइनिंग हो गया कॉलम का। अब मैं दूसरी TD में जाऊँगा, बाजू के TD में, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे दूसरी रो में जाते हैं, दूसरी रो को भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉपरली थोड़ा ध्यान रखना है दैट हाउ यू आर गोइंग टू सेट द विथ एंड हाइट। ओके, आप सोर्स में जाके भी विथ सेट कर सकते हो और यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब इस जगह पे मुझे मेरे प्रोडक्ट्स को दिखाना, ठीक है, जो प्रोडक्ट की लिस्ट आउट है वो मुझे यहाँ पे दिखानी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ग्रिड व्यू, ठीक है। वी आर सिंपली गोइंग टू यूज ग्रिड व्यू, उसका एक फॉर्मेट हम सेट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक
कोई भी जस्ट लाइक प्रोफेशनल सेटअप में कर देता हूँ यहाँ पे। ओके सो ये प्रोफेशनल सेट हो गया। ओके अब इसके अंदर मुझे डिफाइन करना है कॉलम्स कि भाई कौन कौन सी कॉलम मुझे दिखानी है। राइट हम सारी कॉलम से दिखाएंगे स्टार्टिंग में, ठीक है, ये सारी कॉलम से दिखानी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, गो टू एडिट कॉलम। अब यहाँ पे जितनी कॉलम से उसके इतने बाउंड फील्ड लेने हैं, और अगर कुछ बटन या कुछ रखना है सो यू विल टेक बटन फील्ड। ठीक है सो मैं यहाँ पे बाउंड फील्ड ले रहा हूँ। ओके सो पहली बाउंड फील्ड ऐड की मैंने। दो ही प्रॉपर्टी सेट करनी होती है बाउंड फील्ड की, एक हेडर टेक्स्ट जिसमें मैं बोलूँगा कि भाई मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा, प्रोडक्ट का आईडी। ओके और डेटा फील्ड जो डेटाबेस में नाम है वो, दैट इज पीआईडी। ओके फिर दूसरी बाउंड फील्ड ऐड करो, उसका हेडर टेक्स्ट लेंगे हम नेम, और डेटा फील्ड भी उसका आएगा नेम। तीसरी बाउंड फील्ड ऐड करेंगे, उसका हेडर टेक्स्ट आएगा कंपनी। ओके और डेटा फील्ड भी आएगा कंपनी, डेटा फील्ड मतलब डेटाबेस में जो नाम है भैया। ओके देन ऐड चौथा है प्राइस, यहाँ पे ले लेंगे प्राइस। ठीक है और उसके बाद इमेज है, सो अभी हम इमेज नहीं ले रहे। ओके वी आर नॉट टेकिंग इमेज राइट नाउ। ओके उसके लिए हम अलग वीडियो में देखेंगे कि प्रोडक्ट का इमेज कैसे अपलोड किया जाता है, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग इमेज राइट नाउ। ओके लेकिन मुझे दो बटन फील्ड चाहिए। ओके एक एडिट के लिए। ओके सो एडिट उसका टेक्स्ट हेडर टेक्स्ट और टेक्स्ट, ये दो चीज़ें सेट करनी है, और एक कमांड नेम सेट करना है। और कमांड नेम हम एडिट के अलावा और कुछ देंगे, मतलब सिर्फ एडिट नहीं लिखना है। सो आई कैन से पी एडिट। ओके कमांड नेम इज पी एडिट, प्रोडक्ट एडिट। ओके और उसी तरह हम दूसरा एक फील्ड लेंगे, दैट इज़ फॉर डिलीट। ओके उसका हम टेक्स्ट रखेंगे डिलीट। ओके और पी डिलीट कमांड नेम रहेंगे हम पी डिलीट। ओके ये कमांड नेम क्यों लिया जाता है और उसको मैंने क्यों डिलीट या एडिट नहीं लिया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके बट आपको ये कंसिडर करके चलना है कि कमांड नेम सिर्फ एडिट और डिलीट नहीं लिखना है। ठीक है सो ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने सारी कॉलम बना दी है, तो मैं यहाँ पे ऑटो जनरेट फील्ड जो है उसको मैं निकाल दूंगा ताकि मेरी अलग दूसरी कॉलम जनरेट ना हो, मुझे सिर्फ इतनी ही कॉलम चाहिए। ओके और इतना करके आई विल क्रिएट एन ओके। सो हियर यू कैन सी मेरा यहाँ पे ग्रिड व्यू बन गया है। ठीक है ओके अब मेरा जो दूसरा काम है वो है ग्रिड व्यू के अंदर डेटा दिखाना। ओके और ऐड प्रोडक्ट करके मुझे इंसर्ट करवाना है। ओके सो ये दोनों चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है पहले आप ये पूरा डिज़ाइनिंग कर लो प्रॉपरली, जिस तरह से मैंने ग्रिड व्यू और इसका डिज़ाइनिंग किया है वो प्रॉपरली डिज़ाइन करो, उसके बाद हम उसकी कोड सेल पे चलेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके बैकग्राउंड का कोडिंग कैसे करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाना है, यहाँ पे इंसर्ट करना है, एवरीथिंग। ठीक है सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।